बोर्ड हो चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम शादी करके मेरे घर आओ। लेकिन मेरे पापा नहीं मानेंगे यार, अगर मैं फुटबॉल लेकर आऊंगी घर तो बहुत नाराज हो जाएंगे। नहीं, इसने फुटबॉल मुझे तो नहीं कहा। Hello and welcome to Oppo Camera Phone Presents Comedy Nights Bachao, powered by Nine Eyes. Krishna, आज बताओ ना आज कौन आने वाला है? आज एक पता नहीं एक अलग सी ना एक अलग सी frustration है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ आज कौन आने वाला है। पुराने दोस्त देबोजीत और गुरमीना के लिए जोरदार तालियां। क्या करते हो कृष्णा? देबीना और गुरमीत है वो। अरे उनको गौर से देखो, ये देबोजीत ही लगता है, वो गुरमीना ही लगता है। ऐसे एक बात बोलूं? कितनी खूबसूरत जोड़ी है हमारी। ऐसे एक बात बोलूं, मेरे मुंह से गलत निकल आया, खूबसूरत तो वो है, टैलेंटेड हम लोग है। अपनी रागनी भी कम नहीं है किसी से। तुम्हें पता है इतनी बचत करती है ना, जो बीड़ी पीती है ना ऐश तक नीचे नहीं फेंकती करती। और अपने लक्ष्य के बारे में नहीं कुछ कहोगे उनके साथ ही? अरे इनके बारे में क्या कहना, इनकी पान पट्टी की दुकान से तो बीड़ी खरीदती है वो। तो कृष्णा इधर ही पूरी खातिरदारी नहीं करेंगे, बिठा भी देते हैं, लेकिन उससे पहले समझा देते हैं कि आज हम क्या करने जा रहे हैं। कृष्णा आज हम करने जा रहे हैं बचाओ मैराथन। अभी मैं आपको समझा देती हूँ वो कैसे। जैसे आप एक जोड़ी बैठे हैं तो उनके सामने कोई परफॉर्म कर रहा है, अगर आप उसको नहीं सुनना चाहते, आप बहुत मतलब आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आप एक बजर बजाएंगे तो वो आर्टिस्ट चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मैं भी नहीं बैठ सकता, तो आपको दोनों बजर बजाने पड़ेंगे, तो कुर्सी से आप चेंज हो जाएंगे। समझ गए भाई लोग? हाँ समझ गए। नहीं और मैं ये भी बता दूं कि मैराथन एपिसोड हम क्यों करते हैं, मतलब हमारे शो पे जब शाहरुख भाई आते हैं, सलमान भाई आते हैं, तो जितनी ऑडियंस है वो बोलती है आप डांस करके दिखाइए, आप हमें डायलॉग बोल के दिखाइए, तो आज आप लोग हैं तो हम नॉन स्टॉप कॉमेडी करेंगे। आज हम इनसे कोई मूवमेंट नहीं करवाएंगे, ना डांस ना कुछ कॉमेडी, क्योंकि इनकी जिंदगी में इनको अच्छे मूवमेंट नहीं मिले तो हम क्या करवाएं भाई। इसलिए नॉनस्टॉप कॉमेडी होगी। अब शुरू करो यार, उससे रहा नहीं जा रहा। किसको बिठाएं पहले भारती जी? मैंने गुरमीत के साथ काफी रियलिटी शो किए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं गुरमीत और देबीना की सेवा करूँ। मैं भी। गुरमीत और देबीना आप लोग आइए सिंहासन पे। कृष्णा
जी भारती जी, मैं जा रही हूँ भाई बच्ची बनने। बच्ची बन के जो भी बैठेगा ना इसी की तैसी कर दूंगी मैं। सबसे पहले मेरे लिए जोरदार तालियां हो जाए। क्या बात है, क्या गेस्ट आए हैं, बहुत अलग लेवल का फ्रस्ट्रेशन है। पहले ही दारू पी के आया हूँ, सच्ची बता रहा हूँ। देखो आप लोग मेरी किसी बात का ज्यादा बुरा नहीं मानना, अभी आप लोग सब दोस्त हो मेरे, ठीक है, और आपस में भी एक दूसरे को जानते हो। कोई ऐसी मेरी बात बुरी लग गई तो गुस्सा थूक देना, है ना, एक दूसरे के ऊपर थूक देना, आप लोग जानते हो ना। मेरे को जब ये शो चालू हुआ था बहुत सारे लोगों ने बोला के कृष्णा तुम लोगों की बेस्तियां करते हो, एक दिन तुमको बद्दुआ लगेगी लगेगी। आज लग गई। आज लग गई। इनके सामने अब स्टैंड अप करना पड़ रहा है इतने बड़े स्टार को। हाय हाय, डेविन और गुरमीत बहुत लवली कपल है यार, बहुत कमाल का। मतलब इनकी शादी पे मैं मौजूद था। वो जूते चुराई की रस्म होती है ना, लड़कियां डेबिना के जूते उठा के लेगी। कैसी है डील डॉल और हट्टा कट्टा, इतना दूल्हा तो यही लगता है। और लड़कियों की क्या गलती है यार, 12 नंबर के जूते कौन सी लड़की पहनती है। बहुत टूटा है जिसका। मैं सच्ची, ये लोग बहुत अच्छे हैं यार, ये मेरे इन लोग के लिए ताली बजा यार। ये लोग इतने अच्छे हैं क्योंकि इतनी अगर मेरी कोई बेइज्जती करे मैं तो उठ के चला जाऊं। पैसे की इतनी भूख है यार, क्या करूं। और इन दोनों को तो पैसे भी नहीं दिए हमने, इतना टीवी पे आने का शौक है। यार मैं सच्ची था, बाकी स्टार लोग आते हैं ना शूटिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है, साला ये सिक्योरिटी को खड़ा करो, बाहर लोग जमा करो, इधर बताओ। इनका अच्छा है ये खुद पूछ के किधर बचाओ कर। इन दोनों का लेकिन इतना लवली कपल है, मेरे को अभी भी याद है, मेरे को वो सुहागरात की मुझे बात याद आ गई। आदमी इतना मतलब जिम फ्रीक आदमी है, डेबिना ने स्वागत के दिन बोला इसको, बोले यार डार्लिंग कोई ऐसा थकावट वाला काम करो ना यार। ये आदमी 2000 डिप्स मार के सो गया, मैं बता। लेकिन डेबिना भड़क गई, ये इतनी भड़की ये 3000 डिप्स मार के सोई। ये लेकिन मेरा भाई बहुत दिल का बहुत अच्छा आदमी है। मेरा स्ट्रगल का टाइम था, यही कोई परसों की बात है। मैं भी स्ट्रगलर हूँ, ऐसी बात नहीं। तो मैं ऐसा कोने में बैठ के किधर रो रहा था, ये आया पीछे से मेरे पास, कृष्णा क्या हो गया यार तेरे को। मैं बोला यार परेशान हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ, खाने को कुछ नहीं है, भूख लगी। इतना अच्छा आदमी मेरे को अपनी वैनिटी में लेके गया, हम दोनों बैठे और साथ में रोए, कहते मेरे पास भी कुछ नहीं। बचाओ। एक मिनट। अरे ये पागल, अबे शूटिंग के बीच में क्या कर रही है, सेल्फी क्यों ले रही है, ये क्या कर रही है। अरे क्या कर रही है, क्या कर रही है, क्या सेल्फी ले रही हूँ। अरे लेकिन अपने होने वाले पति को भेजनी है। क्या तू शादी कर रही है। अरे जानवरों की भी शादी होने लगी। एक मिनट, देखते हैं इसको कौन मिला है। ये क्या।
सलमान भाई को 50 साल के बाद कुएं में गिरना था। एक मिनट, मैं मानता ही नहीं कि सलमान खान तुझे प्रपोज करेगा और वो भी तेरी सेल्फी देख के, हो ही नहीं सकता। अरे बेटा एक मिनट आजा, अब देख। अरे यार ये तो कमाल की सेल्फी आ रही है। हाँ कड़क सेल्फी है ना। लेकिन ये सेल्फी इतनी अच्छी आई कैसे भारती? अरे नए ओप्पो F1S कैमरा फोन से। तुम्हें पता है मुझे अपने पे मेहनत करनी नहीं पड़ती, सेल्फी खींचो इतनी अच्छी आती है कि। अरे प्लीज मुझे भी दिलाओ ना। पैसे नहीं है तेरे पास, खुद खरीदना। अरे दिलाओ, हम सब खरीदेंगे। क्या खरीदेंगे? ओप्पो F1S। जल्दी जाओ, मैंने खरीद लिया। चलो मैं भी एक सेल्फी लेता हूँ। भगवान तू है क्यों नहीं? क्या गलती हो गई थी ऐसी? ये दिन दिखा रहा है। लेकिन सच्ची कह रही हूँ दिल से, आज दोनों हाथों से तालियां मारो इनके लिए, क्योंकि इन्होंने दो हाथ से तालियां कभी भी नहीं सुनी, हमेशा इनको एक हाथ की पड़ती है। क्या बात है, दोनों निकम्मे एक साथ। ये भैया चैनल चेंज करवा के रहेंगे। ऐसे एक बात बोलूं, बता दूं तेरी वो वाली बात, गुरमीत ना भी कृष्णा को बोल रहा था, अरे भैया बैंकॉक से ज्यादा अच्छी मसाज ना इधर होती है। कृष्णा ने कहा कहा, कहता तू शर्ट उतार, तेल तेरा भाई लेकर आया है। दवीना काफी अच्छी लग रही हो, यही होता है भैया उल्टी शेव करके आओ, लड़की लगते हैं पूरे। आपको पता है गुरमीत और देवीना की शादी में ना झगड़ा होते होते रह गया, गुरमीत ने ना गलती से ना जयमाला घोड़ी में डाल दी। कहते हैं इससे ज्यादा सुंदर वो लग रही है। सॉरी घोड़ी, सॉरी देवीना। ऐसे ना आप सब जोड़ियों में आए हो ना, आज मेरी भी जोड़ी आ रही है। एक लड़का पढ़ता है ना क्लास में, उसने मेरे को प्रपोज किया है, आज वो मेरे को इधर मिलने आ रहा है। कैसा है? मैं अच्छा हूँ, पता है मैं टैलेंटेड हूँ। उधर देख कितने सारे चप्पल आए हैं। चप्पल? ये चप्पल नहीं कप्पल। नहीं नहीं ध्यान से शक्लें देख, चप्पल जैसी है। बाथरूम की चप्पल, कोई कैंची चप्पल, कोई पंजाबी जूती, कोई कीचड़ लगी जूती। वैसे सॉरी मैंने आप लोगों को चप्पल कहा, क्योंकि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, झूठ नहीं बोल सकते। वाकई आप चप्पल जैसे लगते हो। नहीं मेरे फेवरेट है देवीना अंकल। हाँ देवीना अंकल तो बहुत अच्छे। मेरी गुरमीत आंटी भी बहुत अच्छी है। लेकिन एक बात बोलूं, ये देवीना अंकल है ना, इनका ना एक शो आता है कॉमेडी का, उसमें ना मोरनी बनी थी, टिंग 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 ऐसे करके। यार कैरेक्टर अंधा था क्या? क्यों? घोड़े जैसी लड़की को मोरनी बना दिया। ए, क्या बोल रही है? पता कितनी कितनी रोमांटिक कपल है। वो तो है, लेकिन तू मेरे लिए क्या लेकर आया है? मैं तेरे लिए गुलाब लेकर आया हूँ। तेरे को कितनी बार कहा कर, इतना फालतू खर्चा मत किया कर यार। मैं फालतू खर्चा नहीं करता, लेकिन लक्ष्य है ना वो बेच रहा था सड़क पे, तो मेरे को तरस आ गया। ऐसे आज देखो मैं फालतू खर्चे की बात कर रही हूँ, आज तो कलर्स ने बहुत फालतू खर्चा किया, ये तो फूल है। बट एक बात बता, क्या स्कूल क्यों नहीं आई यार? मैं ना गुरमीत अंकल की खामोशियां देख रही थी टीवी पे। तो खामोशियां तो 2 घंटे की होती, उसके बाद आ जाती। उसके बाद मम्मी ने टीवी पटक के तोड़ दिया। पता मम्मी कहते तूने सीरियल में गुरमीत की एक्टिंग नहीं देखी थी, उसके बाद तेरी फिल्म देखने की हिम्मत कैसे पड़ी? ये जसनी आंटी कितनी खूबसूरत है ना। हाँ एक्चुअली मैं एक चीज पूछूं। क्या? ये इनको लक्ष्य में क्या दिखा जो? अरे लक्ष्य अंकल ने एक बार तेजस्विनी आंटी को से दूध लिया, केसर मिलाया और पिला दिया, पीते ही कहती आई लव यू लक्ष्य। केसर का दूध पिलाने से खूबसूरत लड़की पच जाती है? अरे नहीं, जिस बेचारी लड़की ने फ्रिज का भी ठंडा पानी ना पियो, केसर का दूध देके तो पागल ही हो जाएगी ना, उसको आई लव यू बोल दिया। बट इनके बारे में बाद में बात करियो, तेरे को पता है ये मेरे दोस्त हैं। कौन? ये गुरमीत और देवीना,
मैंने ना इनका एक गाना देखा था। कौन सा? इन्होंने परफॉर्म किया था, एक साथ नहा रहे थे। अरे घर में भी एक साथ ही नहाते हैं। आहा, क्या चौल में पानी सिर्फ 5 मिनट ही आता है, तो ये बताते हैं ना एक साथ नहाने। धोनी क्यों दे रहा है, धोनी क्यों दे रहा हूँ मैं, ये सोच रहे हो ना? आज आयो सही जगह पे। आयुष पूरी हो गई ना, 1.5 साल काम किया, क्या आज स्टारों में आयो तो पता लगा कुछ किया है। तो पता क्या बोलता, पता है ना, अगरबत्ती पैसे होंगे तो खरीदोगे ना, होगा कहाँ से। लोगों के वैसे बेड़ा गरक हुआ मेरा। बताओ शादी करके गांव से बीवी लेके आऊं, इतना सीरियल देखती है मनुष मारी, हमारे वजह से अमजद रुका हुआ दुनिया में नहीं आ रहा। सुनते हो? अरे फ्री हो का? इनसे ज्यादा फ्री हूँ। मेरे में तो ग्रीस लगा हुआ, फंस के नहीं चलता, बिल्कुल फ्री हूँ। ये है तुम्हारी फैन, बहुत बड़ी, डूब के मर जाओ जाहिल है। इतना सीरियल देखते तेरे मुंह पे चमाट मारूंगा। शादी करके लाओ, सुहाग रात मनाने जाता हूँ, यूं करता हूँ, इसके रोने की आवाज आती है, ये शुरू। मैं दरवाजा बंद करता हूँ, कहीं छापा ना पड़ जाए। ऐसी मत बोलो, मैं उनके सीरियल की बात नहीं कर रही हूँ, उनकी खुद की बात करो ना। सीरियल हटा दूं? हाँ। तो फिर क्या रह गया बाकी? उनसे खैरियत पूछ लो तो, और भाई क्या हाल है, कब तक एक पैंट में गुजारा करोगे, दूसरा खरीद लो यार, अब तो फट चुका है वो। तुम कब तक मांग के पहनती रहोगी, मतलब क्या सोच के आए थे, बुम्बई इंडस्ट्री तुमने खड़ी करनी, क्या मसला था? मतलब तुम चलाओगे क्या, ड्राइवर हो तुम क्या इंडस्ट्री के, मतलब क्या लोगों ने खंजर मार लिया कि तुम ही आओगे, तुम ही काम करोगे, क्या लोगों ने अपने ब्यूटी बॉक्स फेंक दिया, क्या मूछे खा गए? मेरे अमजद नसरीन पप्पू सबको रोकने वालों, तुम्हारी वजह से मेरी सुहाग रात नहीं हो रही, जिलेबी में फफूंदें लग गई। अरे इतनी खूबसूरत लड़की बैठी, उसकी कहा की खूबसूरत, उसका मुंह देख, बासी गुब्बारे जैसा मुंह, हवा भर के बैठा दिया। कुछ भी ना हो, चारी के नाक नक्शे देखो, कितनी तीखी नाक, कितनी तीखी नाक है, 12 दरवाजे चीर चुकी है। कपड़े की दुकान पे गई है, उससे कह रही है मेरे को ड्रेस चाहिए, उन्होंने ड्रेस दिया, गई है चेंज करने, इसने पहनी है, नाक से 2 टुकड़े हो गए कपड़े, बाहर आगे कह रही है 2 हो गए, अब वो अपने नाक में लग गई वो। उसको ऑफर भी की थी दुकान वाले ने, 800 रुपए ले लो, वहाँ क्या मिलता है, 800 रुपए लो, यहाँ काम करो, कपड़े फाड़ फाड़ के देना, एक लट्ठा यूं। शहर वाली है ना, वही चुप करा सकती है, हमारी बस की बात नहीं। तू क्या चुप कराएगी, अमजद क्यों नहीं आ रहा दुनिया में? जानू, जानू, मैंने सुना है यहाँ पर कोई टीवी वाले आए हैं। हाँ वो जो ठीक करते हैं ना, वो आए हैं। क्या कर रहे? ये दोनों कौन है? ये दोनों, हाँ ये दोनों है। नहीं नहीं, ये दोनों है कौन? अच्छा ये पूछ रही कौन है, ये ना दोनों हैं। मेरा मतलब कौन है, कौन कौन है, तो ऐसे बोलना, ये लड़का है ना, ये अपने माँ बाप का बच्चा है, वो अपनी माँ बाप की बेटी है। ये कौन है, कौन है, ये नहर में से निकले हैं, पहचान, लाश है, ले जा। इनकी ना दवाई बनती है घुटने की दर्द की, जा ले जा। अरे चुप हो, बकवास ना करो, हम बताते हैं ये कौन है। अरे ये हर घर में आते हैं। ओ, दूध वाले, बदतमीज, दूध वाले, दूध वाले, बस करिए, पढ़े लिखे हैं, दूध वाले पैक करके बेचते हैं। पैक का आराम से नहीं करते हैं, दूध भरते हैं थैली में, मोमबत्ती जलाते हैं, पहले होंठ गरम करते हैं, फिर पपनी। दोनों इतना फास्ट काम करते हैं, ये लो। ये क्या कृष्णा भारती ने बजर पा पा कर रहे, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, ये क्या मैराथन फैराथन चला रहे हैं,
मेरा ध्यान भटक रहा है क्योंकि मैंने बहुत बड़े बड़े खिलाड़ियों को क्लीन बोल्ड किया है और आज ऐसा ही खिलाड़ी आया है, देखते हैं फिर। मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मैं इनको आउट नहीं कर पा रहा, मैं इसलिए रो रहा हूँ शिखर धवन इंडिया का नंबर वन बैट्समैन इतना वेला है कि चिंटू के साथ मोहल्ले में खेल रहा <आए रखो। laughs> क्या बात है शिखर जी, जब भी इंडिया का मैच होता है तो आप ही ओपनिंग करते हैं, बैट्स आपके होते हैं? बैट खैर मेरे ही होते जो जो मैं यूज करता हूँ। सेम हमारे मोहल्ले वाला हिसाब है क्योंकि हमारे मोहल्ले में जिसका बैट वही ओपनिंग करेगा पहले। कभी ऐसा हुआ कि पिच पे आप डटे हुए हैं, छक्के में छक्का मार रहे हैं और थोड़ा प्रेशर पड़ गया है तो कभी इस दुविधा में आप फंसे हो? बिल्कुल फंसा हूँ, लेकिन क्या होता है कि जब ध्यान गेम के टूवर्ड्स होता है तो वो चीज पीछे चले जाती है थोड़ी, और जब ड्रिंक्स ब्रेक होता है तो अब हम उसमें जा सकते हैं टॉयलेट। इवन अगर और ज्यादा इमरजेंसी है कि भाई बंदा रोक ही नहीं सकता, कह देते भाई आ गया, आ गया तो फिर अंपायर गेम रोक दे। ऐसे करना पड़ता है? ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, और अगर बढ़िया है तो ऐसे भी कर सकते हो। और अगर ऐसे कर दो तो मतलब दोनों चीजें इकट्ठी आई है। अच्छा धवन साहब, हम सबका कोई निकनेम होता है, आपका घर का निकनेम क्या है जो मम्मी डैडी ऐसे बहन बुन सब बुलाते हैं? मेरा घर का निकनेम बब्बू। आए नहीं बब्बू। तो स्वीट। ग्राउंड का तो पता ही है, गब्बर। ग्राउंड का नेम गब्बर? गब्बर। तो ऐसा क्यों, मतलब ऐसा गब्बर गब्बर नाम रखा, कहीं आप दांत काला करके और बेल्ट लेके हंसते नहीं जाते? नहीं वैसे नहीं था, सिली पॉइंट पे तंबाकू खाता था ना। सिली पॉइंट पे जब बैठता था तो जब कभी पार्टनरशिप दूसरी टीम की लग जाती तो क्या होता है कि लड़के चुप कर जाते हैं, ज्यादा बोलते नहीं है, तो उस वक्त एनर्जी क्रिएट करने के लिए तो मैं सिली पॉइंट पे ऐसे बहुत याद आना है सुअर के बच्चों तो चिल्लाता था, तो सारे एकदम अंपायर वगैरह देखते थे ये कहां से बोल रहे, तो फिर इस वजह से फिर मेरा वहां से नाम। सर मैंने सुना है कि आपकी शादी फेसबुक थ्रू हुई थी। बिल्कुल। जो आपकी वाइफ है हाँ जी, उनको फेसबुक पे फंसाया था? बिल्कुल फेसबुक पे फंसाया था। अच्छा मैं कभी बिलीव नहीं करता था कि इंटरनेट पे भी प्यार होता है, लेकिन जब वो चीज़ मेरे साथ हुई तो फिर मैं हंस रहा था उस चीज़ पे कि मैं लोगों को बोलता था कि मैं नहीं बिलीव करता और वो चीज़ मेरे साथ हो गई थी। फिर वैसे वो कहाँ से है? आयशा बंगाली है और कोलकाता से है, बट वो जब वो 8-9 साल की थी तब से वो ऑस्ट्रेलिया में बेस्ड है। क्या बात है यार, उन्होंने ऐसे ही करके फंसा लिया लड़के को। आमी जे तुमार जी, आपने पहले उनको प्रपोज किया था कि उन्होंने? नहीं मैंने ही प्रपोज किया था, तो मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी आयशा को और एक महीने बाद उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी मेरी। तब आप क्रिकेट खेलते थे? तब मैं क्रिकेट टीम में थे, तब मैं टीम में नहीं, उस वक्त टीम में नहीं था मैं। जब पहली बार मिले तो आपकी आवाज निकली उनके सामने, तो आपने बहुत सारी बातें की कि क्या पियेंगे आप या क्या खाएंगे आप, यही होता रहा? नहीं नहीं पूरी बहुत सारी बातें करी और अब आवाज नहीं निकलती मेरी ज्यादा। अब शादी हो गई है ना। चलिए आए शिखर जी का एक टेस्ट लेते हैं कि अगर ये क्रिकेटर नहीं होते हीरो होते तो क्या अच्छे से डायलॉग बोल पाते? आप सब तैयार है? चलिए सबसे पहले मुझो के हिसाब से बाजीराव मस्तानी का डायलॉग करवाते हैं। कोई शिखर जी की मस्तानी बनेगी? आ जाओ आइए आइए आइए। हाँ आप
रोमांटिक हो गया कि मतलब अगर सामने वाली ऑपोजिट टीम को बोलना होता बाजीराव बन गए कि चीते की चाल बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पे संदेह नहीं करते। मैं तो कहता हूँ बाजीराव की तलवार काट दो, शिखर का बैठ कर दो। क्यों भाई? चलिए सर एक्शन। खानदीवली नारु सुपाला मलाड सर थर्ड थारी अभिषेक धवन। हम इस शो पे इतना डांस करते हैं, देखिए इतना बड़ा बड़ा फोड़ा निकला है। वैसे इनको तो पता ही होगा ये खुद इतने बड़े फोड़े के साथ बैठे। यू नो आई एम फ्रॉम लगान एंड शिखर धवन इज हियर सर। इस बार Wait, our culture, भूल गया तू? Oh my God, culture भूल गया? Yeah. Hi, Tom. Fantastic. Yeah, Chintu, come on. No. It's me, Mitch. Chintu. Hi. Thank you. Actually, you know. सर आई एम फ्रॉम अमेरिका एंड अमेरिका में एक जगह है चूसलपाड़ा। आई एम फ्रॉम देयर और हमारे इधर का कल्चर ये यू नो या क्या? अरे इस बार तो किया ही नहीं तुम लोगों ने। हाँ तो सारा दिन पूपू करेगा तो काम तेरा बाप करेगा। हमारे पास यही टाइम रह गया, दिन भर यही कर रहे। हाय थैंक यू वेरी मच एंड आई एम फ्रॉम लगान और शिखर धवन को मैं एक ही बात बोलेगा कि इस साल हम आपसे दुगना लगान वसूल करेगा। तुम नहीं कर पाएगा। पिछली आदमी उसका आदमी क्यों नहीं कर पाएगा? हम करेगा। पिछली बार नहीं कर पाया था। क्यों? पिछली बार भुवन था, इस बार धवन है। तुमको मालूम है पिछली बार जो हम मैच हार रहे थे फिल्म में उस वजह से हमारी बहन भाग गई थी। नो no, तुम उल्टा बोल रहे हो। बहन भागने की वजह से हम मैच हारे थे। एक मिनट कैसे? एक्चुअली क्या तेरी बहन ने मुझे 10 बजे बुलाया था तो फटाफट आउट होके मैं भाग गया था तो तुम लोग मैच हार गए। तू हमारी बहन को लेके भागा? नो प्लीज मत मारो, तुम्हारे लिए मेरे पास 2 सरप्राइज है। मेरे लिए सरप्राइज क्या? एक भांजी तुम मामा बन गए। मेरी बहन लिंडा अब तेरे घर पे टिंडा बना रही है। I will kill you. मैं धवन सर का बहुत बड़ा फैन, एक बार जोरदार थालियां इनके लिए। You know, क्रिकेट में धवन साहब ने जो फिल्में बनाई है मेरे मामा के साथ, हीरो नंबर वन, कोहली नंबर वन, डेविड धवन कमाल है। लेकिन जहां तक रही इनकी बात, ये सुपर डुपर हिट सुपरस्टार कृष्णा के बहुत बड़े फैन है ये। मैं जितने क्रिकेट में जितने लेफ्टीज हैं मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। जैसे सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, अमिताभ बच्चन। एक मिनट, अमिताभ बच्चन कहाँ क्रिकेट खेलता है बे? अब तेरे को खुश करने के लिए वो क्रिकेट खेलना शुरू कर दे क्या?
He's a lefty, you know. मैंने उनसे भीड़ में ऑटोग्राफ मांगा, लेफ्ट हाथ से चार थप्पड़ मारा उन्होंने मेरे को. He's a lefty. कब से क्रिकेट ये वो फालतू बकवास कर रहे हो? चलो बैच की तरह. वाह वाह यस कम ऑन चलो शुरू करते हैं. अंताक्षरी अंताक्षरी अबे ओ अन्नू कपूर के फेंके हुए बच्चे. अंताक्षरी अंताक्षरी क्या लगा रखा है आप यहाँ क्रिकेट खेलने को? यस सर फेंका हुआ बच्चा. तुम्हें पता नहीं है मैं इंग्लैंड की तरफ से खेलता हूँ. इंग्लैंड इंग्लैंड की तरफ से खेलता हूँ. सच में? कैसे? इधर बांग्लादेश है, इधर इंडिया है, तो इधर इंग्लैंड इस तरफ है, तो इस तरफ से खेलता हूँ इंग्लैंड तरफ. यार इसको समझा यार. इधर इतने बड़े स्टार बैठे हैं, बकवास किया जा रहा है इतनी देर से. और क्या नहीं तो तुम लोग निकलो यार यहाँ से. लेकिन एक चीज जाने से पहले, क्रिकेट में कॉमेंट्री कैसे होता है सर को बताओ. हट. There is a ground, it's very fast in this match, it's a start, it's a lovely crowd over there. His ball is ganda, piche, piche, ball, piche. Cutting his ball, he's running his ball, he's getting good ball, he's hits it. Oh, ball fake any more today. Bury's match is fantastic, he's a razor. Here's the six, it's Bury. You six is a Gary, Gary six is very fantastic. Shikhar Dhawan takes next ball, is this more take and he starts cut first, eh? Ganda to took lagai. Very good, Bill. He's very good. Me, just here. So, Patty, guess him the time waste, but got a pick. Here's the six. It's brilliant, brilliant. Thank you so much. Yes. Okay. Come on, Patty. Thank you very much. 1 minute. See you soon. 1 minute. जनता की भारी डिमांड पे तुम दोनों हाथ मिला के जाओ. ऑडियंस की डिमांड पे. यार ये क्या कर रहे हैं कॉमेडी नाइट्स बचाओ वाले. आप सबको पता है कपल्स को बुलाया है और मैराथन कर रहे हैं. धपा धप धपा धप रोस्ट कर रहे हैं. सच्ची में यार ये तो बचाओ निकलवा रहे उनके मुंह से. ओह माय गॉड. अरे बाप रे बाप, इतने बड़े बड़े स्टार को देखने के लिए ये लोग आए हैं. इतने बड़े भी स्टार नहीं है जो इधर छुप छुप के देख रही है. इसे कैसे कैसे लोग आ जाते हैं. ओह माय गॉड. ये सोफे के ऊपर टिंडा किसने रखा? अरे नहीं नहीं ये तो मेरा दोस्त है लक्ष्य. लक्ष्य नाम है इसका मालूम है. खाली नाम लक्ष्य रख लिया कभी लगा भी लिया कर कितना बदबू मारता है. सच्ची बोलो लक्ष्य बहुत टैलेंटेड है. इसका सपना है कि ये शाहरुख खान जितना सुपरस्टार बने. और मैंने इसका काम देखा है, वो दिन ज्यादा दूर नहीं है कि इसका सपना चकनाचूर हो जाएगा. वैसे सच्ची बोलूं ये ना मेरा बहुत अच्छा दोस्त है. मेरे पिताजी ना इसको पर्सनली मिलना चाहते हैं. एक बार मिल लो ना उससे. मालूम है जब भी तुमको टीवी पे देखते हैं टीवी को चमाट मारते हैं. एक बार पर्सनली मिलकर उनकी चमाट खा लो, बुड्ढे का गुस्सा ठंडा हो जाएगा. प्लीज सच्ची बोलो. और ये जो है ना रागिनी, इसके साथ तो मैंने फिल्में की है बाबा. देखो टिकट भी लेके आई है मैं फिल्मों की. दो फिल्में की है मैंने इसके साथ. एक फिल्म का नाम था मोहब्बत की सुई कोच दिया, एक दूसरे पे थूका और पोंछ दिया. इसमें हंसने वाली क्या बात है. एक और फिल्म की थी सनम सारी रात जगाया था, तू जेल में था फिर कौन आया था. धोखा दिया है मेरे को. मालूम है धोखेबाज है ये. मेरे को धोखा देके इस चुड़ैल के साथ सेटिंग कर ली. लेकिन इसने जो मेरे को धोखा दिया है ना उसके लिए मैंने वकील किया है. अभी मैं इसके ऊपर केस करूंगी देखना. सॉरी सॉरी सॉरी, वो मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया. सॉरी. ओहो मतलब एंट्री की भी टाइमिंग खराब, कॉमेडी में भी टाइमिंग खराब. पहले तुम मुझे ये बताओ कि मुझे इस एपिसोड में वकील क्यों बनाए. ओ जब हम स्ट्रगलरों को गेस्ट बनाकर सेलिब्रिटी बना देते हैं तो आपको वकील नहीं बना सकते. वाओ मुझे इसके ऊपर केस करना है. बिचारे ने बिगाड़ा क्या है. खुद का करियर.
और मुझे धोखा भी दिया है मालूम है, मुझे कहा था कि मैं जिस दिन कुछ बन जाऊंगा तुम्हारे लिए कुछ करूंगा, तुमसे शादी कर लूंगा। आज मैं सबके सामने पूछना चाहती हूँ कि आखिर कब कुछ बनेगा। वैसे चलिए अब करते हैं केस की शुरुआत। हाँ। मुझे बताइए कि उस रात क्या हुआ था। मुझे शर्म आती है, गुदी गुदी सी हो रही है, देखना चीटी चल रही है क्या, गुदगुदी सी हो रही है। अरे मैं पूछ रही हूँ वारदात की रात क्या हुआ था। ओ वारदात की रात, रात के 1 बज रहे थे, गुप अंधेरा था। तभी अचानक से सूरज निकलने लगा। रात को सूरज, सूरज रात को कैसे निकल सकता है? अरे बाबा मेरा पड़ोसी सूरज, उसका पेट खराब रहता है, कभी 2 बजे कभी 1 बजे कभी भी निकलता है। मैं इसके घर पे पहुंची, मालूम है घर पे दरवाजा नहीं था, मैं सीधा अंदर चली गई, लेफ्ट राइट में देखा दीवारें भी नहीं, ऊपर देखा छत भी नहीं, मैं बोली हे भगवान ये तो मैदान में रहता है। प्लीज आप बेचारे के बारे में ज्यादा मत बोलो, ये मेरा पहला क्रॉस था। क्रॉस नहीं क्रश होता है, क्रश नहीं। वो एक्चुअली जब मैंने इनकी फोटो देखी ना तो एक बड़ा सा क्रॉस मारा, ये सबके साथ फिल्में करूंगी लेकिन इसके साथ फिल्में नहीं करूंगी। अच्छा मतलब तेरे को ऐसा लगता है इसके साथ तेरे को फिल्में लेंगे करके। एक माना कि इंडिया में काला धन है लेकिन वो इतना भी काला नहीं कि तुम लोग को लेके फिल्म बनाएंगे। बकवास बंद करो और बताओ उस रात क्या हुआ था। उस रात मुझे शर्म आती है, गुदी गुदी सी हो रही है, देखना चीटी चल रही है क्या, गुदगुदी हो रही है। मुझे लगता है ना ये लड़का बिगड़ा हुआ है, इसने डेफिनेटली कुछ गलत किया होगा। ए बिगड़ा हुआ नहीं है, वो लाखों में एक है जो पीछे रह गया, बाकी 99,999 तो आगे बढ़ गए। कौन इधर, मेरे मामा का गाना बिगड़ रहा था, ये तो गोविंदा है, ये तो दरिंदा नाच रहा था इधर, कौन? साला चिड़िया के साथ लकड़ बग्गा तेरी। मैं हूं ना। ये क्या गोला गोपची चल रहा है पीछे? नहीं नहीं सचिव अब ऐसे मैं अभी वो लेक्चर खत्म हुआ था, मैं इसको नोट्स देने आया था। अच्छा एग्जाम अभी चालू नहीं है, लड़की को पहले से नोट दे रहे तू? नहीं 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 सर आप गलत समझ रहे हैं, ये ना कान से थोड़ा ऊंचा सुनती नहीं, इसको आवाज में मुंह से बात कर रहा था तो थोड़ा समझ नहीं आई, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा मतलब क्या है तुम लोग का, मतलब पत्थर के पीछे तुम लोग जवान लड़ा रहे थे? नहीं सर नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है, अभी क्या होगा ससुर डार्लिंग? तेरी क्या बोली, क्या बोली ससुर डार्लिंग? आपके सामने ससुर नहीं तो डार्लिंग। सर ऐसे चलता है, आपको
आपको पता है हमारे जो कॉमेडी में नहीं आता ना, कृष्णा आता है ना, वो अपनी कश्मीरा को भी चुड़े डार्लिंग बोलता है, आप उससे कुछ नहीं कहते, हमें ऐसा कह रहे हैं। ज्यादा बकवास नहीं कर रहे, इधर कपल लोग की जगह नहीं है, समझा क्या? सर हम तो वहां भी बैठ सकते थे, लेकिन हम कामयाब लोग हैं, वहां बैठेंगे, आप उठा लो। जोड़ियां बैठी सर। क्या बात है, अरे बाबा यार, जोड़ियां बैठी यार, बहुत बढ़िया। मैं तो बोलता हूँ एक जोड़ी जूते की भी रख दो इधर। मतलब चमड़ा होता है ना, नजर नहीं लगेगी, इतने ब्यूटीफुल कपल है लोग, है ना। अरे ऐसे मत बोलो के बंबई मत, बकवास नहीं कर रहे, समझ मजा ले। सुन इधर, ये क्या, इसके कान में कुछ कह रहे थे? कान में बात करी क्या आपने पपीली? सच बताओ। मैंने पपीली इसकी। फिर ठीक है, मैं कान में बात करी, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। अभी इससे बात करने का समझा? हे डंडा नीचे, डंडा नीचे मारो, जितना मारना है ऊपर, यहाँ क्या मारो। विजय चल, बात कर रहा है डेबिना को, मैं जानता हूँ, बहुत बड़ी स्टार है वो। मैं इनको एक दिन मॉल में देखा, ये उधर जूता ठीक करवाने के लिए गई। अच्छा? जूते वाला बोलता है, आपके तो पैर तो बहुत मुलायम है, ये बार बार सैंडल कहे को टूट जाती है। कहती मेरे पैर मुलायम है, इसका सर बहुत हार्ड है ना, क्या करेंगे। पता है गुरमीत, जब लाइफ में सबसे पहले काम किया था ना, तो उसे पता है कितने रुपए मिले थे? कितने? पूरे 1500 रुपए मिले थे। हाँ तो गोनी उठाएगा तो 1500 रुपए ही मिलेंगे ना। हाँ पहले गोनी उठाया, उसके बाद जब एक्टिंग किया तब जाके इनको 800 रुपए मिला है। बोले गोनी ज्यादा बेटर उठाता था। सर एक मिनट, एक मिनट सर, ठीक है आप बड़े लोग हैं, आप कुछ भी इनको बोलोगे। सर डंडा मारना तो मारो, दिखाना नहीं मेरे को। इधर आप पीछे चल, मेरे को जानता नहीं अभी, इधर पीछे चल, चल पीछे चल, मैं पीछे था फिर आगे ले आया, अब कहते पीछे चल, चल आ। तेरे को ना बुढ़ाऊ फाइन भरना पड़ेगा, फाइन। ये हमसे फाइन मांग रहा है। यस, फाइन फ्लू की अंडी, तू चुप रहे। ओ तुम लोग को फाइन देना पड़ेगा, फाइन, फाइन देना पड़ेगा। किस चीज का फाइन, किस चीज का बोलो, किस चीज का? अरे थोड़ा सा मैं, हमें हमें इनसे फाइन मांगो, ये भी तो कपल है, एक दूसरे ने फसाई है लड़के, इनके क्यों नहीं मांग दिया? अरे तो इनको मांगा था, ये लोग बोलते हैं फाइन मत लो, सजाए मौत दो। मैंने बोला सजाए मौत का 1200 रुपया भर के खत्म करो। फिर तो 1200 किधर है, हमारे लिए सजाए मौत ही है वो। बुढ़ाऊ और लड़की दोनों पागल है। हम पागल कैसे हुए? गुरमीत डेबिना अच्छे है ना? काय के अच्छे है? क्या मतलब? अरे कुछ नहीं, डेबिना ने ना एक दिन गुरमीत के आगे ऐसे गाल किया। अच्छा? यदि जानू कुछ समझे तो उसका कान साफ करने लगा। लेकिन इनका करियर आप देखना बहुत आगे जाएगा। अरे उसने खुद बोला जब मिले, बोले देखना आप हमारे करियर में गर्मी आएगी। बोला क्यों? तो बोलता बस अभी हमारा घर का एसी भी खराब हो गया। ये झूठ बोल रहे हैं सर, ऐसा कुछ नहीं है कुछ। लेकिन एक बात बताओ डार्लिंग, इधर आओ, इनकी बातों में नहीं आना। ये मुझे बड़ी उम्र बोले, बुड्ढा बोले, हमें पता है हम दादा है, हमें पता है हमने क्या करना। मैं तेरे को कभी भी किसी चीज की कमी नहीं आने दूंगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे ना इन जैसा पति चाहिए। सर ये क्या, ये आप ही मारिए, सुन रहे देना है। अबे इन जैसा बनना है बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तेरे को। क्यों? अरे इनके जैसे करोड़ों लोग हैं दुनिया में, कहाँ ढूंढती फिरेगी। लेकिन एक बहुत खुशखबरी मैं आपको बता दूं। क्या बजर भी आने वाले? नहीं नहीं, गुरमीत और डेबिना में इतना प्यार है कि बहुत ही जल्दी ये 2 से 3 होने वाले हैं। मुबारक हो। नहीं नहीं, वो वाला मुबारक नहीं है। हाँ। वो फ्लैट का भाड़ा नहीं भरा ना, तो अभी पीजी भी रख रहे हैं लोग। तो 2 से 3 होने वाले हैं। एक जब देखो ये पक्का कृष्णा डांस कर रहा होगा भाजी, इसको बोलना कॉमेडी करो, एक गाने लगा के डांस करके बता देता। खैर छोड़ो, उधर टांग खिंचाई हो रही है, हम इधर करें अपनी बातें। वैसे शिखर भाजी आपको पता है हमारे यहाँ पर एक और गेस्ट आए। अच्छा जी, बुला लूँ उनको? बिल्कुल बिल्कुल बुलाओ। प्लीज वेलकम इंडियन वीमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन मिताली राज।
आइए बैठिए। मिताली बहुत अच्छी लग रही हैं आप। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। देखा, मैंने लड़की को प्यार से कब ऊंचा लाइन ही मारने लग गई। बाजी लड़की ठीक है मेरे लिए? बिल्कुल। मिताली मुझे तो इतनी नॉलेज नहीं है क्रिकेट की, लेकिन मुझे इतने सारे आपके फैन हैं जिन्होंने बताया कि आपने 5000 से भी ऊपर रन लिए हैं, ये सच है? वन डे में 5000 से भी ज्यादा रन बनाए वन डे में, वाह। और लोग आपको लेडी तेंदुलकर भी कहते हैं? कहते होंगे। कहते हैं। कभी ऐसा हुआ मिताली T20 है या वाई वर्ल्ड कप है या वन डे है, तो आज यार बहुत सारे ग्राउंड में लड़के आए होंगे ऑडियंस देखने, तो ऐसा होता है कि थोड़ा मैं लिप लगा लूँ, काजल लगा लूँ, सब मस्कारा कर लूँ? वो सब नहीं कर सकते क्योंकि गेम में जब खेलते हैं तो इतना पसीना आता है, तो वो सब और ड्रामनी बन जाएंगी। गर्मी में इतना खेले और इसे करते लिपस्टिक इधर किधर गए, लोग डर जाए, अरे मिताली किधर है? इधर भाजी। हाँ जी। जब सिक्सर लगते हैं, चौके लगते हैं या कोई आउट करती है तो अच्छा लगता है? तब चीयर लीडर्स जो भी होते हैं वो तो पब्लिक के लिए होते हैं। पब्लिक के लिए होती हैं ऑब्वियसली। लेकिन मिताली आपसे पूछना है कि जैसे आप लड़कियां क्रिकेट खेलती हैं तो आपके भी चौके छक्के लगते हैं, तो वहां के लड़के रखे होते हैं करने के लिए? ये बात मेरे दिमाग में आया था कि T20 वर्ल्ड कप में ऐसा होना चाहिए। हैंडसम लड़के होने चाहिए, सिक्स पैक के साथ ऐसे कच्चे पहने हो और जैसे चौके छक्के लगे लड़के भी खड़े ऐसा होना चाहिए ना? होना चाहिए, वैसे बात तो सही है। मिताली कभी किसी लड़के ने आपको ऐसा गली मोहल्ले में ओए क्या खेलती है ऐसा कहा कि छेड़ा? नहीं। तो चलिए आज हो ही जाए फिर। आइए मिताली। लेकिन मेरे पापा नहीं मानेंगे यार, बहुत मुश्किल से ही उन्होंने क्रिकेट में मुझे परमिशन दी है, और अगर मैं फुटबॉल लेकर आऊंगी घर तो बहुत नाराज हो जाएंगे। कहीं इसने फुटबॉल मुझे तो नहीं कहा? ये तो लड़की मेरी आते ही बेइज्जती करने लग गई। नहीं नहीं ये नहीं करना, आ जाओ मिताली बैठे। And that's me. इस उम्र में इस बुजुर्ग से चला नहीं जाता है, क्या करे ये बेचारा बूढ़ा। लेकिन दौड़ सकता है। That's me. अरे अंकल इधर देखो कौन आया है। अरे 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 सोफा बड़ा प्यारा है, कहाँ से बनवाया? बहुत प्यारा सोफा है। मैं सोफे की नहीं, मिताली और धवन साहब की बात कर रहा हूँ। अरे धवन साहब, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपका, बहुत पिक्चरें देखी हैं, मैं तेरा हीरो। क्या बात है? हेलो बूटे अंकल। हाँ? ये धवन फिल्मों वाले वाले नहीं, ये वो है क्रिकेट वाले, क्रिकेट खेलते हैं। ओ फिर मैं वरुण धवन का फैन हूँ। अंजलिंग अंकल मैंने पहले आपको कभी नहीं देखा इधर, आप वॉचमैन कब बने? वॉचमैन? हाँ, दरअसल ये हमारे मोहल्ले में बहुत चोरियां हो रही थी,
इतनी चोरियां हो रही थी, हमारे मोहल्ले वालों ने बोला देखिए सर आप सिक्योरिटी गार्ड बनिए, आपको नौकरी मिलेगी तो आप चोरी कम करेंगे। कॉन्जरिंग अंकल, पहले एक बात बताओ सबको कि आप वॉचमैन ही क्यों बने? काफी लंबी कहानी है, छोटे में सुनाता हूँ। बात उन दिनों की है जब मैं छत पे खड़ा था, ऐसे मैं छत पे खड़ा था, मैंने ऐसे किया, जाले निकले नहीं तो मैं समझ गया मैं स्पाइडरमैन तो बन नहीं सकता तो वॉचमैन बनूंगा। बना वॉचमैन। जब से आप वॉचमैन बने हैं ना सब चैन की नींद सो रहे बोलने वाले। नहीं 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 साहब। क्या कर रहा है? बुड्ढे को नचवाता है? आप ये लालटन लेके क्यों घूम रहे थे? कम दिखाई देता है? नहीं 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 साहब, दरअसल बात ये है कि मुझे दिखाई कम देता है। अंकल अब प्लीज जाने का क्या लोगे? आप चाहते मैं चला जाऊं? हाँ ठीक है, चलिए मैं चलता हूँ फिर। चल भाई जरा। नीचे बैठ, नीचे मोड़। और डांस ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। सुपरस्टार होते होते रह गई संभावना सेठ अपने पति अविनाश के साथ आ रही है। भारती और कृष्णा क्या हाल करेंगे? टुकुर 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 देखो टुकुर टुकुर। संभावना सेठ अविनाश द्विवेदी काम भोजपुरी के अलावा कहीं नहीं मिलता। पहले हमारे दोस्त लोग आए, नई नई शादी हुई है, व्हाट अ ब्यूटीफुल कपल, संभावना और अविनाश के लिए जोरदार ताली। क्या बात है यार, संभावना मेरी इतनी पुरानी दोस्त है, हनीमून पे अकेले चली गई, मेरे को बताया तक नहीं यार। नहीं मेरा मतलब मैं भी आता ना रितिका के साथ। रितिका के साथ? लेकिन तेरी बीवी तो कश्मीर है ना? नहीं नहीं उसको घर पे रखा है, हनीमून मैं रितिका के साथ ही मनाता हूँ। क्या हुआ कृष्णा? हाँ। कितने अच्छे लग रहे, मैं दोनों को दुआ देती हूँ भगवान करे मेरे जितना मोटा बच्चा पैदा हो आपके घर। क्या बात है। थोड़ा थोड़ा टाइम पहले जाते तो मैं इतनी ही थी एक्चुअली। हट झूठी, अपने आप को पतली बोलती है। कृष्णा शुरू हाँ, करे। जीजू को बिठा दो वहाँ पर वरना यहाँ पप्पियाँ ले लेके लाल लाल कर देगी। काम काम। आपकी खातिरदारी करने के लिए सबसे पहले आ रहे हैं हमारे शो के सबसे बड़े कलंक कलाकार शकील भाई। हेलो, मुझे कलंक कह रहा है साले। वो सस्ती पुलिस वाला बनाए सस्ती। हेलो निकुल, कहाँ है भाई तेरे गैस सेलिब्रिटी कहाँ है? सोफे पे दो आदमी बैठे हुए हैं, एक की दाढ़ी एक की शेप बनी हुई है, कौन है ये लोग? अच्छा यही है संभावना, यही। अरे फैन हूँ भाई मैं इसका, ताली बजाओ। इनसे ज्यादा इनका फैन मैं देखो यार पेट की खातिर कितना झूठ बोलना पड़ता है। संभावना कैसी हो? शादी मुबारक हो। थैंक यू। तुम में से दुल्हन कौन है? ये मतलब घूंघट किसने उठाया था? मैंने उठाया। हर मर्द को शादी करनी चाहिए कृष्णा, ताकि जहन्नुम में जाए तो नई जगह ना लगे। संभावना भोजपुरी में तुम क्या थी, क्या तगड़ी होती थी। जिस खेत में नाचती थी 5 साल तक पिसा हुआ आटा निकलता था वहां से। ये हिंदी फिल्मों क्या हीरोइन होती हैं, भोजपुरी फिल्मों की हीरोइन है। हिंदी फिल्मों की पतली दुबली, कम कपड़े, कम खाना, हीरो आया उठाया चला गया, इसको भोजपुरी में आया उठाया खुद ही बैठ गया हीरो।
वो भी कह रहा बहन तू उठा ले मुझे। रिक्शा वाला पैसा नहीं लेता भाई संभावना से, कैसे लेगा, वो खुद हीरो होता भोजपुरी का। Oh God. आपकी शादी हुई माशाल्लाह से। शादी देखो गरीबों की शादी होती है कृष्णा। गरीब लड़कियां इतना बड़ा घूंघट, अंदर अमरूद भी खा रही है, सेब भी खा रही है, किसी को कुछ नहीं पता। लिपट लिपट के रोती हैं सबसे, आए अब्बा नहीं जाऊंगी, इस गेंडे के साथ तो कभी नहीं जाऊंगी, आए अम्मा नहीं जाऊंगी, आए चचा नहीं जाऊंगी, आए मामू नहीं जाऊंगी, पता लगा गधा है उसको नजर ही नहीं आ रहा है। और आप जैसी लड़कियों की शादी हो, सबसे पहले तो पार्लर जाएंगी। और ये कैसी मुसीबत यार, पार्लर जा रही है घर से मेकअप करके जा रही है, क्या बात है यार। घर से पहले मेकअप किया फिर मेकअप कराने जा रही है, वाह 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 वाह, इसको कहते हैं जहालत। ऐसी लड़कियां रुख्सत होती हैं ना, रुख्सत नहीं होती हैं, बस मेकअप, सब रो रही है अपने मेकअप से कहते हैं हम मामला। तुम लोगों का मसला पता है क्या, कहीं पार्टी में जाना हो ना, ब्रश हिसाब से रखा हो मेकअप के लिए, की पार्टी में ना छोटा वाला, उससे ज्यादा पार्टी में जाना ये बड़ा, शादी में जाना बड़ा वाली कुर्सी। पहले अपने मारा फिर बच्चे के दो कोट मारा, चल। और बच्चे छोटे ही लेके जाती है पार्टी में, बड़े वाले अंदर रख दो। और अपने बच्चों से कह, देखो पार्टी में जा रहे हैं, मम्मी नहीं कहना, दीदी कहना, दीदी दीदी। माशाल्लाह लव मैरिज है। हाँ जी लव मैरिज है, घेर के मारा है। अच्छा माशाल्लाह कितने दिन हो गए शादी को? शादी को 14। उसको याद होगा ये तो उसके साथ हुआ ना, बताओ। वो तो बेचारा दिन गिन गिन के गुजार रहा होगा। कितने दिन हो गए भाई? 23 दिन। 23 साल लग रहे होंगे आप। शुरू में बड़ा खुश हो, मेरी शादी हो रही है, शादी हो रही है, मेरी शादी हो रही है। शादी के 6 दिन बाद इससे पूछा क्या हाल है, आटा लेने जा रहा भाई, बड़ा बहुत जबरदस्त आ रहा। ऐसी लड़कियां होती हैं। नहीं यार इन पे ज्यादा नहीं बोलेंगे, हमारे दोस्त हैं यार, बहुत कमाल के लग रहे हैं। अविनाश गॉड ब्लेस यू, दोनों के लिए जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया जोड़ी, कितनी अच्छी लगती है भारती इनकी। बात है कृष्णा, कमाल की जोड़ी है, ऐसे लगता है कि थैला और मजनू। पागल होगी, थैला और मजनू नहीं, लैला और मजनू होता है। थैला और मजनू ही है, संभावना बहन का मुंह देख, थैले से कम है। लेकिन एक बात समझ नहीं आती कृष्णा, इस शो को 1 साल हो गया, संभावना आज क्यों आई है? अरे क्योंकि अब बरसात है ना, रेनी सीजन, और बरसात में ही ऐसी चीजें निकलती है। बात तो माननी पड़ेगी, भोजपुरी फिल्मों की संभावना नंबर 1 डांसर है। क्या बात है, नंबर 1, ये तो कमाल की बात बोली तुमने, वाकई बहुत अच्छी डांसर है। हीरो लोग के साथ ऐसे ऐसे नाचती है ना, ऐसे लगता है मेरठ वाले फूफा नाच रहे हैं। खबरदार मेरी दोस्त के बारे में कुछ कहता हूँ, मेरठ वाला फूफा कहाँ से लग रही है, आज शेव करके आई है वो। भारती ये लोग कितने क्यूट कपल हैं, अविनाश भी बहुत क्यूट लग रहा है, ये मतलब प्रपोज किसने किसको किया होगा भारती, तुझे क्या लगता है? अविनाश ने। अविनाश ने क्यों? हाँ क्योंकि संभावना के मुंह पे मसाला था ना। अरे भोजपुरी फिल्मों की हीरोइनों का एक ही है, मुंह में साला और मसाला। लेकिन जोड़िया जो है वो भगवान ही बनाता है। सच्ची तुम लोग मारते हैं आरोप, जोड़िया भगवान बनाता है। हाँ, इनकी जोड़ी भगवान ने बनाई है। हाँ सही बात है, भगवान पान भंडार के भारी मिलते थे। हाँ ये वहाँ पर मसाला खाने आती थी। तो ये क्या करने आते थे? अरे पान भंडार इसी का तो है, यही भगवान है। इसका तो शादी के बाद नाम शादी के बाद नाम बदला, बोले इसके नाम अविनाश रख दो। कृष्णा हनीमून के लिए कहाँ गए थे? अरे ये लोग सीधा ट्रैवल एजेंसी में गए। वहाँ पर जाके पूछ रहे थे, बोले स्विट्जरलैंड का कितना खर्चा होगा, फिर उन्होंने बोला 2 लाख रुपया। तो बोले 2 लाख में तो हम ऑटो खरीद लेंगे, उसमें जिंदगी निकाल लेंगे। कैंसल कर दिया। ऐसा ऑटो ऑटो की बात मत कर, दोस्त है अपनी, संभावना सेठ है, संभावना सेठ। तो बताइए एक दिन अंबानी के घर पे शो करने के लिए गई संभावना। हाँ अंबानी साहब आए वहाँ से, एक्सक्यूज मी आपका नाम क्या है? संभावना सेठ। संभावना सेठ उन्होंने अपने पूरे स्टाफ को बुलाया,
बोले अगर सेठ ऐसे होते तो मैं क्लर्क हूँ। चुप कर, जितना तू भोजपुरी फिल्मों में चला रही ना उतनी ये भोजपुरी फिल्मों में चली है। सही कह रहा है? ये बात तो सही है क्योंकि भोजपुरी वाले चलते ही उनके पास गाड़ियां क्या होती है। ऑटो लेके आई हूं। सारा दिन धूप में पैदल चलते रहते हैं। भावना तुम हमेशा बाल खोल के रखा करो। खुले बालों में तुझे बहुत सुंदर लगती है। नहीं नहीं जुड़ा कर लेती ना तो ओमपुरी लगती है। अरे कुछ नहीं, थोड़ा बाल संभाल ना, बाल पीछे करना थोड़ा। अच्छा। ओमपुरी बोलती है, पंकज कपूर लगती है। कोई कुछ नहीं बोलेगा, मेरी दोस्त है वो, खबरदार खबरदार किसी ने रजा मुराद को पंकज कपूर बोला। बकवास नहीं करोगे? अरे संभावना गुस्सा मत करो, इसको ऐसी चीजों का एक्सपीरियंस है क्योंकि जब ना कश्मीरा भी बाल बांधती ना टीनू आनंद लगती है। अरे ये कॉमेडी नहीं, सच बोल रही थी। एक छोटी मोटी अभी गाना किया बता, जॉन इब्राहिम के साथ फिल्म में, और सलमान भाई ने इसको सुल्तान के लिए बुलाया था। आइटम सॉन्ग के लिए? नहीं आइटम सॉन्ग के लिए नहीं, कहते एंड में मैं कुश्ती इसी के साथ लड़ूंगा। इतना तगड़ा पहलवान हिंदुस्तान में और कहाँ मिलेगा? दुश्मन से मत कर यार, अभी संभावना की शादी हो गई है, पारिवारिक लड़की हो गई, ऐसा मत बोल अभी। सही बात है, इनकी शादी में बहुत बड़ा केस हो गया था मालूम। का आइडिया नहीं था। हा? सालियों को बोला था कि जूता चुराना है, वो दिल्ली में जाके सबके जूते चुरा लाई घर से। अरे सुहागरात तो कमाल की थी। अरे बताना। संभावना ना ग्लास में दूध लेकर आई, ये चल कर आई ऐसे छम छम धड़ 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 ऐसे चल कर आई, इसने दूध का ग्लास रखा। अविनाश ने पहली थी तो बोलता है एक काम करेंगे आधा आधा पियेंगे। इसने कहा ठीक है तुम दूध पी जाना, मैं ग्लास खा लूंगी बाद। कबीना। ये देखा सच्चाई सुनते आदमी हंसने लगता। हुआ है छोटी मोटी स्टार नहीं पता है, हम बच्चन साहब को जानती है ये। क्या बात कर रहे हो? जानती है ना, बच्चन साहब को जानती है। बच्चन साहब, हाँ बोलना, तेरी इज्जत बढ़ा रहा हूँ मैं शो पे। हाँ जानती है। बच्चन साहब एक दिन गाड़ी से जा रहे थे तो ये गई इस तरह से शीशा नॉक किया। बच्चन साहब ने अरे उस पर मत गिनना, बच्चा दवा के मार देगा। बच्चन साहब का दरवाजा नॉक किया, बच्चन साहब ने कांच नीचे किया और उसी वक्त 20 रुपए। बच्चन साहब ने कांच नीचे किया और उसी वक्त 20 रुपया निकाल के दिया। कहती है सर मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं संभावना से हूँ। तो कहते हैं हाँ मुझे पता है, मेरे पास 20 रुपया ही है। एक मिनट यहाँ पर पिक करना है। अरे संभावना इतना रोई ना, इसका लाखों का मेकअप उतरा है। अविनाश जी, अविनाश के लिए। यार मेन बात बोलने से पहले उसने बजर दबा दिया। बोलने उसके बाद दोबारा दबा, बोलने वाला था संभावना एक सुपरस्टार है। और इससे पहले बजर दबा दी। इसको आदत नहीं तारीफ सुनने की अपनी। चलिए हमारे न्यू मैरिड कपल अविनाश और संभावना के लिए जोरदार तालियां।
अरे इतनी टांग खींची है इन दोनों की, तो डांस तो बनता है बॉस, और नई नई शादी भी हुई है। आइए For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.